बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ डीबीएमएस की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम डीबीएमएस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, डीबीएमएस का जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो है रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी। दोस्तों, रिडक्शन के मानी है कमी की और रिडंडेंसी के मानी है बार बार रिपीट होना। तो यहाँ पर रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी से मुराद है कि डीबीएमएस के थ्रू हम डेटाबेस में जो डेटा रखते हैं उसमें रिपीटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको याद हो तो मैनुअल फाइल सिस्टम में एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट के पास और एक एम्प्लॉय की एक अलग फाइल होना रिक्वायर्ड होती थी, जिसकी वजह से डेटा रिपीटेशन भी इंक्रीज हो जाती थी और उस डेटा को रखना, फिर उसके बाद उसकी हिफाजत करना, तो ये भी रिक्वायर्ड था। लेकिन दोस्तों, डीबीएमएस की बदौलत क्योंकि तमाम एम्प्लॉयज का डाटा एक जगह रख दिया जाता है और एक वक्त में मल्टीपल डिपार्टमेंट उस डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, इसीलिए डाटा रिडंडेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोरेज मीडिया भी कम रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद दोस्तों, जो इसका दूसरा एडवांटेज है वो है डाटा इंटीग्रिटी, यानी इम्प्रूवमेंट ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। दोस्तों, इंटीग्रिटी से मुराद है कि डाटा का कंसिस्टेंट होना, यानी एरर फ्री और कंप्लीट होना, मुकम्मल होना। तो दोस्तों, मैनुअल फाइल सिस्टम में डाटा का एरर फ्री होना और कंप्लीट होना मुश्किल था, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डाटा को एंटर करते वक्त ही मुख्तलिफ चेक्स के जरिए गलत डाटा और इनकम्प्लीट डाटा फिल होने से पहले ही रोका जा सकता है। इसीलिए वी कैन से कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्रीजेस द डाटा इंटीग्रिटी। इसके बाद इसका एक और एडवांटेज देखिए, डाटा इंटरडिपेंडेंस। दोस्तों, डाटा इंटरडिपेंडेंस से मुराद है कि जो भी चेंजेस आप डेटाबेस में रखे डाटा पर कर रहे हैं उसका असर उन प्रोग्राम्स पर नहीं होना चाहिए जो उस डाटा को यूज कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, डीबीएमएस क्योंकि यूजर और उन एप्लीकेशंस के दरमियान जो कि डाटा को यूज कर रही हैं, इन दोनों चीजों के दरमियान एज एन इंटरमीडिएट काम कर रहा होता है, तो इसीलिए डाटा पर आप कोई भी तब्दीली करें, डीबीएमएस उसका असर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पर पड़ने नहीं देता। यानी डीबीएमएस के जरिए डाटा इंटरडिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जो इसका अगला एडवांटेज है, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स। दोस्तों, मैनुअल फाइल सिस्टम में हम रिलेशनशिप्स को डिफाइन नहीं कर सकते थे, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम एक टेबल का दूसरे टेबल से ना सिर्फ रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल टेबल्स में से एक साथ डेटा को एक्सेस करना ना सिर्फ इजी हो जाता है बल्कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी हम डेटाबेस के जरिए डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है डेटा सिक्योरिटी। दोस्तों, मैनुअल फाइल सिस्टम में हमारा तमाम डेटा फाइल्स के अंदर महफूज था और फाइल्स पर हम किसी किस्म का कोई राइट नहीं लगा सकते थे। जिसके पास फाइल होगी वो उस फाइल को रीड भी कर सकता है, उसमें चेंजिंग भी कर सकता है, मजीद डाटा भी ऐड कर सकता है और डाटा को रिमूव भी कर सकता है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हम अपने डाटा पर राइट लगा सकते हैं, के पासवर्ड्स वगैरह लगा सकते हैं। यानी डीबीएमएस के जरिए हमारे डाटा की सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो राइट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के पास होंगे डाटा को एक्सेस करने के लिए, कि वो डाटा को ऐड भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, ये राइट्स किसी नॉर्मल एम्प्लॉय के पास नहीं होंगे। और ये मुमकिन होगा डीबीएमएस के एक एडवांटेज डाटा सिक्योरिटी के बदौलत। इसके बाद है दोस्तों, डाटा बैकअप एंड रिकवरी। दोस्तों, बैकअप से मुराद है कि डाटा की एक और कॉपी बना लेना, और इस कॉपी को इसीलिए बनाना कि अगर आपके डाटा को कोई नुकसान पहुंच जाए या कोई डिजास्टर हो जाए जिसकी वजह से आपका डाटा लॉस हो जाए तो आपके पास उसकी एक कॉपी मौजूद हो, ताकि डाटा के डिस्ट्रॉय हो जाने की सूरत में कंपनी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, अगर आपका डाटा डिस्ट्रॉय हो जाए और क्योंकि आपके पास बैकअप मौजूद है, कॉपी मौजूद है, तो उस सूरत में आप उस डाटा को दोबारा से डेटाबेस में रख सकते हैं और इस अमल को कहा जाता है रिकवरी। तो दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसकी बदौलत आप अपने डाटा की ना सिर्फ आप अपने डाटा की कॉपी बना सकते हैं, उसको कहीं और प्लेस कर सकते हैं,
साथ के साथ अपने डाटा को रिकवर भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये इसका एक और एडवांटेज देखिए, एडवांस कैपेबिलिटीज। दोस्तों एडवांस कैपेबिलिटीज से मुराद है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो कुछ टाइम बाद उस सॉफ्टवेयर के एडवांस वर्जन आते रहते हैं जिनमें वो कैपेबिलिटीज मौजूद होती हैं जो कि पुराने सॉफ्टवेयर में नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही DBMS के भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर देख लें जैसे कि ओरेकल, MS एक्सेस वगैरह, तो इन सब में भी आपको एडवांस वर्जन मिलेंगे जिनके जरिए ये सॉफ्टवेयर आपके डेटा को मोर सिक्योर, मोर इंडिपेंडेंट, मोर इंटीग्रेट कर रहा होगा और ज्यादा एडवांस लेवल पर आपको ये तमाम फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे डेटाबेस मैनेजमेंट के तमाम एडवांटेजेस। और आप जानते हैं कि जब किसी चीज के कोई एडवांटेज होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि एडिशनल रिसोर्स रिक्वायर्ड। दोस्तों DBMS का एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि यूजर को ये मालूमात नहीं होती कि उसे किस किस्म का DBMS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिनका डाटा भी ज्यादा होगा उनको मैनेज करने के लिए बनाई जाती हैं और ऐसे DBMS की कॉस्ट भी ज्यादा होती है, उनके लिए हार्डवेयर भी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर हाई स्पीड होना रिक्वायर्ड होता है, इसी तरह मेमोरी भी हाई स्पेस चाहिए होती है और इसीलिए इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जबकि अगर आपको किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए DBMS इंस्टॉल करना है तो ना ही उसके लिए आपको हाई स्पीड कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा, तो ऐसे में सही मालूमात का होना जरूरी है, क्योंकि अगर मालूमात सही नहीं होगी तो आपके डेटाबेस की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। दोस्तों अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल फाइल सिस्टम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आना चाहती है तो ऐसे में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग सही से इस्तेमाल करना सीख नहीं लेंगे तो डेटाबेस की तरफ जंप करना एक गलत फैसला होगा। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में DBMS को इंस्टॉल करने के बाद एम्प्लॉयज को उस डेटाबेस की ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग के लिए एक अलग स्टाफ हायर किया जाता है जिनको कुछ कॉस्ट भी पे करनी होती है और साथ के साथ एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को भी एज एन एम्प्लॉय हायर किया जाता है जो कि उस पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करे और एरर को रिजॉल्व करे। तो इन दोनों ही कामों के लिए कंपनी को एडिशनल कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है, यानी एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा जो तीसरा इशू है वो है सिक्योरिटी इशूज। दोस्तों किसी भी DBMS का जो सबसे मेन फीचर है वो है डेटा की सिक्योरिटी, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डेटा सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो अगर आपका DBMS डेटा को सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर पा रहा तो यकीनन ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ और साथ के साथ हमारे इस चैप्टर का भी अख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, जिसके अंदर दोस्तों हम आपको डेटाबेस की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताएंगे, एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएंगे, टेबल्स के बारे में बताएंगे, हालांकि ये भी बताएंगे कि आप टेबल में डेटा को स्टोर किस तरह करवा सकते हैं। अगर एक डेटा आपका फाइल में मौजूद है और उसको आपको रिलेशनल डेटाबेस के अंदर यानी टेबल्स के अंदर स्टोर करवाना है तो वो किस तरह करेंगे, इन तमाम चीजों से हम आपको इस चैप्टर के अंदर मुतारिफ करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।